अरे कौन है इतनी बकवास कर रहा है? मेरा बकवास कर रहा है, पिलाऊंगा तो शराब। बैठ इधर, क्या दिक्कत हो रही है? इधर मेरी दाल, मेरी दाल। ओए हेलो, एक बार तो फेंक दी तूने, दो बार हाथ लगा के देख। ले लगा दे, क्या करेगा, क्या करेगा, लगा दी हाथ, छोड़ दिया नीचे, फटाफट क्या करेगा, हाथ पागल हो गया। हटना एक बार, हटना हटना एक बार, दूर होना। ये ले, क्या दिक्कत हो रही है, क्या करेगा, ये तोड़ भी दी, क्या करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं तुम्हारा दोस्त अमन बैनीवाल, और दोस्तों जो मेरे साथ में बहन बैठी हैं ये बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। इनका मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आया था, इनको इंस्टाग्राम तो चलाना नहीं आता, इन्होंने किसी और के थ्रू मुझे मैसेज करा और अपना नंबर दिया। तो इन्होंने जो मुझे प्रॉब्लम बताई ना, तो दोस्तों जो मुझे 100 मैसेज आते हैं उसमें से 70 मैसेज यही होते हैं कि इस जहर जो रखा हुआ है ना, इस जहर की वजह से लोगों के घर तबाह हो रहे हैं। जो पति अपनी पत्नियों को मारते हैं, घर का राशन तक नहीं डलवाते हैं, घरेलू हिंसा इस जहर की वजह से होती है। तो इस बहन के ऊपर भी यही दुख हो रहा है, यही पीड़ा है इस बहन की भी। तो बहन, जो आपने मुझे बताया था, मेरे व्यूअर्स को सब कुछ बताओ, जो मैं इस वीडियो के थ्रू सबक बना सकूं उन लोगों के लिए जो ये गलत काम करते हैं। भैया पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगी। धन्यवाद आपको, बताओ क्या कि मुझे इंस्टाग्राम वगैरह चलाना नहीं आता। मेरी एक दीदी हैं, उन्होंने आपकी वीडियो मुझे दिखाई और इंस्टाग्राम पे उन्होंने ही आपको मैसेज किया था। और मैं अपने हस्बैंड से बहुत परेशान हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड इस जहर को पी पी के तिल तिल मर रहे हैं। उन्होंने 20,000 की अभी उनकी सैलरी आई थी, 20,000 में से उन्होंने 13,000 का ये जहर खरीद लिया है। बोला है कि लॉकडाउन दोबारा ना लग जाए कभी, इसलिए उन्होंने ये जहर खरीद लिया। मतलब ठेके दोबारा बंद ना हो जाए इस जहर से। उसने 20,000 तंखवाया, उसमें से 13,000 की शराब ले ली। हाँ जी, और ना तो किराया दिया है, ना घर में राशन डलवा रहे हैं। किराए पे रहते हो? हाँ जी, हम किराए पे रहते हैं। और मैं किसी से ये बात नहीं कह सकती क्योंकि मेरी फैमिली भी यहाँ नहीं रहती है। हम बिहार से हैं तो मेरी सारी फैमिली बिहार में रहती है। हमारा आस पड़ोस भी कोई किसी की हेल्प नहीं करता। मेरे हस्बैंड इसे पी पी के रोज़ घर में लड़ाई झगड़ा रखते हैं मेरे साथ। वो इस छोटे से बच्चे को भी नहीं देख रहे हैं कि छोटा सा है, इसकी परवरिश कैसे होगी। लॉकडाउन से पहले मैं भी काम करती थी, मैं भी एक कंपनी में लगी हुई थी और 7,000 मेरी सैलरी थी, तो हम घर का खर्चा अच्छे से चला रहे थे। लेकिन वो ये जहर पी पी के जितना मेरे से हाथ लगा मैं उतना आपके सामने ले आई हूँ। अब आप देख लो, ये वो बहुत परेशान करने लगे मुझे, बहुत ज़्यादा मार पीट रखते हैं हमारे साथ। घर में ना तो राशन डलवाते हैं, ना किराया दे रहे हैं। मकान मालिक किराया मांग रहा है, कहाँ से दूँ मैं भी? मेरे लिए तो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करूँगा। कितने देर में आएगा? आपने बोला था खाने खाने के लिए वो फैक्ट्री से आता, कितने देर में आएगा? आधे घंटे में आ जाएंगे। आधे घंटे में आ जाएगा ना, तो उसको फ़ोन करके बोलो कि इस पार्क का एड्रेस मैं तुम्हें पूरा बता रहा हूँ कि मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ पर तू आके मुझसे मिल। घर पर ताला लगा के आयो, कैसे आयो? जी ताला लगा के, ताला लगा के आए हो ना, तो अब इसको तुम फ़ोन करके बोलना और यहाँ बुलाना। तो ठीक है दोस्तों, वो यहाँ पे आ रहा है और उसके बाद देखते हैं वीडियो में क्या होता है। वीडियो में बने रहेगा आप। ओए ये क्या कर रही तू इसके साथ? ये क्या क्या दिक्कत हो रही है तेरे को? पार्क में बाबू लेके बैठी है? मैं घर नहीं जाऊंगी आपके साथ। चलेगी? नहीं, मुझे नहीं जाना आपके साथ। घर तो गया, तू गया, तेरे बाप भी जाएगा। जब तक आप इस जहर को नहीं छोड़ोगे मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। ये मेरी जिंदगी है, ये जिंदगी नहीं है, जहर है। छोड़ दूंगा, घनी बकवास करी तुम, पिट जाएगी, चल घर पे। नहीं प्लीज, मैं नहीं जाऊंगी। दिक्कत क्या होगी तेरे को? हटो मुझसे, दूर रहो आप, मेरे को नहीं जाना आपके साथ घर। जब तक आप इसे नहीं छोड़ोगे मैं नहीं जाऊंगी। तू पिट जाएगी, चल घर पे। वरना आप इसकी वजह से रोज घर में कलेश करने लगे हो। क्या लगा रखा तुमने? क्या दिक्कत है तेरे को? ये आप 13,000 की ये ले आए, इससे 13,000 में आप राशन दे सकते हैं। मैं 20,000 की लाऊं, तेरे को क्या दिक्कत है? मैं कमा रहा हूँ, तुम तेरे बाप दुला रही है, तू दुला रही है, आप कमा के ला रही है। इसका भविष्य क्यों नहीं देख पा रहे? इसका भविष्य भी हो जाएगा, घर चल, वरना तेरा बना दूंगा मोर। मैं नहीं जाऊंगी घर। क्या दिक्कत हो रही तेरे को? या तो आप दारू को छोड़ोगे? दारू नहीं छोड़ने वाली। मकान मालिक भी आपसे किराया मांग रहे, आप किराया भी नहीं दे रहे हो। दूंगा उसको, क्या दिक्कत हो रही है उसका? एक महीने का तो है एडवांस चल रहा है उसका। घर का राशन भी नहीं दे रहे हो। और आप तू यहाँ पार्क में बैठ के रो के दिखाने क्या चाह रही है मेरे को? आप इसे जब तक नहीं छोड़ोगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जल्दी चल, वरना इतने पता ना मोर बना दूंगा, मार मार के दिक्कत कर रही है। मोर तू तो मरूंगा भी तीतर। क्या कर रहा है? तू कौन है भाई? है तू कौन है? तू कौन हमारे बीच में क्यों बोल रहा है? हमारे इधर 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 आ, दिक्कत दिया तेरे को? तो इधर आ, दिक्कत दिया अबे? क्या दिक्कत है तेरे को? कौन है तेरी? है ये मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा। तो हाथ कैसे लगा रहा तू इसको? वाइफ है मेरी, वाइफ है मेरा, फैमिली मैटर है। तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? होता ये है कि तेरी 20,000 रुपए तनख्वाह है और तू 13,000 का
ये जहर ये शराब खरीद के ले आया। अरे 20,000 को गा रहा है, चाहे मैं लाख खिलाऊं तो होता कौन है? ये तूने बुलाया क्या बीच में? कौन है? हेलो, मेरे सामने हाथ मत लगाइयो। मेरे को पहले भी दिक्कत थी, देर से सूद देगा क्या दिक्कत है तेरे को? ना बच्चा तेरा सामने, तेरा बच्चा है ये, मेरा बच्चा तो पता कौन हूँ मैं, शक्ल देख ले कौन है ये? भाई है मेरा। हाँ, ऐसा हाथ कैसे लगा तू? कैसे लगा रहा तू? वो तो शर्म कर रहा हूँ। फोन करके बुलाऊंगा, अभी बना दूंगा तेरा। बुला, किसको बुला रहा? बुला, कोई भी आए, क्या दिक्कत है? बुला, कौन है तू? चिल्ला कैसे रहा? चिल्ला कैसे रहा? गाली कैसे दे रहा? गाली कैसे दे रहा है तू? बीच में मैं शर्म कर रहा हूँ कि तेरा बच्चा तेरे सामने है? नहीं तो इतनी देर में ना मोर का तित्र बनाता तुझे। अरे कौन है? इतनी बकवास कर रहा है मेरा, बकवास कर रहा है। पिलाऊंगा तू शराब, बैठ इधर। क्या दिक्कत हो रही है? क्या दिक्कत हो रही है? कूलर पे क्या साइड लगा रहा तू? क्या दिक्कत है? आप लगा रहा है? तूने कैसे इनको परेशान कर रखा? मेरी वाइफ है, कोई दिक्कत है तेरे को? कौन है ये बताना फटाफट? भाई है मेरा, मैंने बुलाया इनको। आज तक तो कोई नहीं था, आज तेरा भाई भी आ गया। मेरा भाई आ गया। लगा, बैठ इधर, बैठ इधर, बैठ। मैं नहीं बैठने वाला, तू बात बता यहाँ बीच में कैसे आ रहा है? बीच में अपार्टमेंट में क्या कर रही है? कौन है बता? भाई है मेरा। एक मिनट बहन, मेरी बात सुन। तेरी कितनी तनख्वाह है? मेरी कितनी भी हो, तनख्वाह क्या दिक्कत है तेरे को? तनख्वाह कितनी है? जो मेरी 20,000 रुपए जो पूछ रहा हूँ वो बता। 20,000 रुपए तनख्वाह? ठीक है, तो तू अंबानी का 14 है क्या? 20,000 पे तनख्वाह, जो 13,000 की शराब उठा के ले आया घर में? तेरे पास शराब? मेरा मन, ये मेरी वाइफ, तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? इस को दिक्कत ये हो रही है, तू पिला दे। बहन ने मुझे बोला, इस बहन ने मुझे बोला, कैसे फेंक रहा तू? हाँ, कैसे फेंक रहा? बहन ने मुझे बोला कि घर में राशन के लिए पैसे नहीं है और तू ये शराब पी रहा है। राशन डलवाते नहीं है घर में, राशन नहीं है। ये कहाँ जाएगी तू? कभी गुरुद्वारे में जा रही है, कभी कहाँ राशन के लिए लाइनों में लग रही है, और तुझे शर्म नहीं आ रही? भाई मेरी दारू है, है? मेरा राशन हो ना, तू डाल जा, क्या दिक्कत है? तू डाल जा, मैं तो डलवा दूंगा, लेकिन बेटा तुझे ऐसा बनाऊंगा भी। उंगली करके बात मत कर, उंगली करके बात मत कर। क्या बकवास कर रहा? लगा रखा ना सारी बोतल, ओपनर से खोलूंगा। मेरी दारू, मेरी दारू। हेलो, एक बार तो फेंक दी तूने, दो बार हाथ लगा कर देख। ले लगा दिया, क्या करेगा? क्या करेगा? लगा दिया, छोड़ दे पीछे फटाफट। क्या करेगा हाथ? पागल हो गए क्या? हटना एक बारी, हटना, हटना एक बारी, दूर होना। ये ले, क्या दिक्कत हो रही है? क्या करेगा ये? तोड़ भी दी, क्या करेगा? पागल हो रहे, इतनी महंगी लेके आया था मैं? तोड़ भी दी, क्या दिक्कत हो रही है? इतनी महंगी लेके आया था, महंगी लेके आया था। ये तो अच्छा नहीं करवा रही तू, अच्छा नहीं कर रही। जहर अच्छा है तुम्हारे लिए? देर से प्यार से बात कर रहा हूं, नहीं कर रहा भाई प्यार से बात। ये शराब छोड़ेगा? मेरी दारू है, अभी प्यार तो मैं बता रहा हूं, अभी आराम से समझा रहा हूं। समझ जा, समझ जा, हाथ अड्डा, समझ जा, हाथ अड्डा। कौन है तू? कौन है तू? हाथ अड्डा तो तू गलती मान ले अपनी। मैं गलती क्यों मान लूं भाई? मेरी दारू मान ले। नहीं अभी यहां से ले जाऊंगा, ये तेरे बीवी और बच्चों की थोड़ी शर्म कर रहा हूं। नहीं डाल के ले जाऊंगा अभी गाड़ी में, फिर पी के दिखाइयो मुझे। बोल रहा भाई, बहुत बोल रहा है भाई, थोड़ा मेरा सटक जाएगा। क्या करेगा? कुछ नहीं करना, तू 9-2-11 हो जा फटाफट। क्या करेगा ये बता ना, क्या करेगा? बहुत कुछ हो जाएगा। बुलाऊंगा मैं अपने बंदे। बुला है? कौन सा बंदा बुला रहा? बुला, कुछ नहीं रखे बात तो मैं चला जा, बुला, फूट फूट जाएगा, बुला, है? फूट फूटा जाएगा, जा निकल जा। ले जाऊं डाल के तुझे? ले जा, कहां क्या करेगा? क्या करेगा तू? ले जाऊं? नहीं भैया, एक मिनट इधर आओ, ले जाऊं उसको अभी? नहीं भैया, इनको बस सुधार दो कि दारू ना पिए ये। आप दारू मत पियो ना प्लीज। हाँ दारू तो मैं ऐसी पीऊंगा। इधर आ, ऐसी क्या दिखा रहे तू मेरे को? ऐसी पिएगा? क्या दिखा रहे तू मेरे को ये? देख मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं ये चाहता हूँ तू अपनी गलती मान ले, ये और अगली बार से ये होना नहीं चाहिए। तुझे जब प्यार से मैं समझा रहा हूँ एक बार ही, तो आवाज बहुत ज्यादा निकल रही है, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं रहा अभी। करेगा क्या भाई तू? करेगा क्या? बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं, वो तो इन बच्चे की और तेरी बीवी की शर्म खा रहा हूँ कि इनके सामने मैं तुझे मारना नहीं चाह रहा। नहीं तो इतनी देर में है ना, पता क्या कर देता हूँ? साला टांग दूंगा इस पेड़ पे ही। एक तो गाली मत बक भाई, गाली मत बक, मैं तो मारूंगा अभी। है मारूंगा अभी मैं तो। क्या दिक्कत हो रही है? मारूंगा अभी, क्या दिक्कत है? मारो मत प्लीज, मारो मत इनको। तू कर क्या रहा है? मारो मत, यही तो देख रहा है। इतना कर क्या रहा है? इतना जुर्म करने के बाद भी तेरी बीवी तुझे कह रही है मारो मत। एक मिनट आ, देख प्यार से तुझे मैं एक बात कह रहा हूँ, शर्म आती है? शर्म आती है कि तेरे घर में आज राशन के लिए पैसे नहीं है और तू शराब पी रहा है? बहुत बड़ी रईसी दिखा रहा है क्या? किसको रईसी दिखा रहा है? पी पी के शराब बच्चे की तरफ नहीं देख रहा? कितना छोटा बच्चा तेरा। वो तो है भाई। हैं अब क्या हो गया? एक घुसंड में निकल गई क्या? अब ये घुसंड यहाँ लगा, मुंह पे लगा नहीं। सोच जो है नॉर्मल, तू बहुत देर होगी तो तुझे बता रहा हूँ अभी। क्या कहूँ भाई, क्या कहूँ भाई, क्या पता नहीं लगता है रे, छूटती नहीं मेरे को दारू। नहीं इतना अभी इतना चौड़ा क्यों हो रहा था अभी तू, कि फोन मिला दूँ? एक घुसंड में काम हो गया, अभी तो मारा ही नहीं यार। पता मैं कितना कैसे मारता हूँ पता है? अभी यहाँ मुर्गा बना लेता, जो तू कह रहा था ना मोर बनाऊँ, तुझे मुर्गा बनाकर बांग देता तू यहाँ सुबह शाम मेरे घर के नीचे।
भाई रोज सोचता हूँ छोड़ दूँ पर छूटती नहीं है, क्या करूँ बता। छूटती नहीं, मैं छुड़वाऊंगा ना, कौन से ठेके पे जाता है, वहीं से मारता वाला हूँ ठेके से घर तक, तब तो छूटेगी। जो तेरे साथ में तेरी गैल बैठ रहे हैं उन्हें बताऊंगा कैसे पिला रहे हैं तुझे। कम से कम इनकी तरफ तो देख सकते हो, बच्चा है छोटा है, इतना प्यारा बच्चा तुम्हें भगवान ने दिया है, और ये यहाँ से लेके नहीं जाएगा तू, और ना आज के बाद पिएगा, ठीक है। मैं मानता हूँ, देख आदत पड़ जाती है, लेकिन अगर तू चाहेगा ना तो सब कुछ हो सकता है। ये जहर है, ये शराब नहीं है भाई। जानता तो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ यार, फिर भी पर क्या करूँ, नहीं छूटती भाई। नहीं छूटती ना तो तू, मैं छुटाऊँगा ना, जो तू सोच रहा है ना कि नहीं छूटती, और बहुत ज़्यादा तू वो बन रहा अपने आप में कि मेरी इससे बहुत ज़्यादा वाहवाही हो रही है इतनी शराब पीने से, तो सारी छुड़वा दूँगा। जब पढ़ेंगे ना पिछवाड़े पर लट, तो सब छूट जाएगी। चल ठीक है भाई, अब से फैमिली में ध्यान दूंगा, लव दे दे मेरे को पीछे, ठीक है। और चुपचाप घर जाओ, आज के बाद ये होना नहीं चाहिए जो तू कर रहा है, ठीक है भाई। और ये सामने लग रहा है कैमरा, कैमरा भाई बंद करवा दो यार। पता क्यों लग रहा है कैमरा? क्योंकि तेरे ऐसे लोग हैं ना जो शराब के लिए अपना घर खराब कर रहे हैं, उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, और ये वीडियो बन रही है, और ये वीडियो सबूत है, सब जो लोग देख रहे हैं जितने दर्शक हैं, आज के बाद दिख गया ना तू शराब पीता हुआ। माफ़ कर दे भाई, आगे से नहीं करूँगा यार, इतना प्यारा बच्चा दिया यार तुम्हें भगवान ने। चलो घर जाओ, और बहन मुझे फ़ोन कर देना अगर ये करे तो। अब थैंक यू भैया। और सुनो, जो तुम्हारे टूटे हैं ना, ये लो कुछ पैसे यहाँ रखो, जो मैंने नुकसान करा इसको मत दे, ओए ले मत लियो, ठीक है भाई। सॉरी मेरे से भी गलती हो गई थी, मैं नहीं समझ। और जो बाकी इसके घर पे रखी है ना, वो भी सारी तुम जाके तोड़ना, मुझे फोटो चाहिए, ठीक। सारी उसको फेंकना गटर में और फोटो भेज देना। चलो निकलो, ठीक है भैया। थैंक यू भैया।